जैसे मैंने ये ले लिया, और पैटर्न कलर जो आपने स्टाइल लिया है उस स्टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उस पैटर्न का कलर हो जाएगा ये, और ओके करते हैं तो सेलेक्ट किए गए डाटा के बैकग्राउंड में शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर शो हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में, और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पैटर्न कलर, शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर। आपने देखा होगा बैकग्राउंड में कुछ अलग टाइप से बॉक्स टाइप से डिजाइन टाइप से बनी होती हैं, धब्बे टाइप से बने होते हैं, तो वो सारे कलर कैसे दिए जाते हैं इसको बताने के लिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें डाटा टाइप करना होगा, तो मैं डाटा टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, दिस इज ए बॉय, डैट इज ए गर्ल, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी डाटा आपको, कोई भी डाटा आप टाइप कर लीजिए। तो टाइप किए गए डाटा को सिलेक्ट करके, सिलेक्ट आल की मैंने शॉर्ट की आपको पहले भी बताई हुई है, सिलेक्ट आल की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस ए। तो टाइप किए गए डाटा को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट वाला मेनू बार देख रहे हैं, फॉर्मेट वाले मेनू बार को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ये मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप इसी तरीके प्रैक्टिकल मेरे साथ किया कीजिए जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसके बाद में ये शेडिंग वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ये शेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ शेडिंग कलर वाली बटन से कोई एक शेडिंग कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक शेडिंग कलर ले लिया। पैटर्न वाली बटन के माध्यम से कोई एक पैटर्न स्टाइल, यहाँ से कोई आप एक पैटर्न स्टाइल ले सकते हैं, जो भी पैटर्न स्टाइल आपको पसंद आए, जैसे मैंने ये ले लिया। और पैटर्न कलर जो आपने स्टाइल लिया है उस स्टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उस पैटर्न का कलर हो जाएगा ये, और ओके करते हैं तो सेलेक्ट किए गए डाटा के बैकग्राउंड में शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर शो हो जाता है। इस तरीके से आप डाटा के बैकग्राउंड में शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर दे सकते हैं। तो इसको देने के लिए एक बार और आप देख लीजिए, डाटा को सबसे पहले कंट्रोल ए के माध्यम से सिलेक्ट जरूर करेंगे, यदि आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरे डाटा में कलर शो नहीं होगा। तो इसको कंट्रोल ए के माध्यम से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद फॉर्मेट वाले मेनू बार, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर शेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, कोई एक शेडिंग कलर ले लिया, पैटर्न से कोई एक पैटर्न स्टाइल ले लिया, और उस पैटर्न स्टाइल का कोई एक कलर ले लिया, और ओके करते हैं तो सिलेक्ट किए गए डाटा में शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर शो हो जाता है। इस तरीके से आप शेडिंग कलर के साथ पैटर्न कलर दे सकते हैं। मैं आगे और भी विंडोज़ 2007 या लेटेस्ट वर्जन लाइब्रा ऑफिस वगैरह में भी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, और विद प्रैक्टिकल बताता हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।